हेलो फ्रेंड्स, रचना ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ बाटी चोखा, और बाटी मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई में आज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उसकी थोड़ी रेसिपी आपको बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं सत्तू ली हूँ, और ये मैं खटाई के लिए, खटास के लिए इसमें डालने वाली हूँ नींबू का अचार। तो मैंने यहाँ मार्केट का नींबू का अचार लिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है, और दो बैंगन यहाँ पे है, और यहाँ पे दो हरी मिर्ची है, लहसुन, एक लहसुन लिया है मैंने, और ये देखिए यहाँ पे पत्ते वाला प्याज है। तो चलिए हम बैक कैमरे से स्टार्ट करते हैं अब बाटी चोखा बनाना। और आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाटी चोखा बनाना कढ़ाई में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बैंगन लिया है और इसे बीच से काट लिया है, और उसे इतना काटिए कि आप बस अंदर देख लें कि अच्छे से बैंगन में कुछ कीड़ा ना हो और साफ़ हो बैंगन। तो दोनों बैंगन को मैंने यहाँ पे बीच से थोड़ा काट लिया है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे मिर्ची लिए हैं, इस मिर्ची को भी बीच से हम काट लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। और तो चलिए इसके अंदर डाल देते हैं पहले। तो देखिए, यहाँ मैंने बीच से बैंगन के डाल दिया है मिर्चा, दोनों साइड से दिख रहा है मिर्चा। और इसे हम यहाँ पे देखिए, ये रखे हुए हैं बैंगन सेकने वाला, और इसे हम रख देते हैं लो फ्लेम पे। दोनों बैंगन हम रख देते हैं यहाँ पे, दोनों में मैंने मिर्चा डाला हुआ है। तो यहाँ मैंने दोनों बैंगन को रख दिया है गैस पे। तो चलिए ये होगा, तब तक हम कुछ इंग्रेडिएंट यहाँ पे तैयार करते हैं। तो ये प्याज है, लहसुन है, ये सब हम काटना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लहसुन काट लिया है, एक लहसुन मैं पूरा ली थी, और ये मैंने पत्ते वाला प्याज काटा है। और यहाँ तो देखिए, यहाँ पे मैंने लहसुन चॉप कर लिया है, और यहाँ पे पत्ते वाला प्याज मैंने चॉप कर लिया है, और यहाँ पे एक बड़े प्याज ली थी मैं, वो चॉप कर चुकी हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बैंगन मेरे कितने हुए हैं। ये देखिए, लगभग बैंगन होने वाले हैं, बैंगन हो ही चुतक का है, बस एक मिनट बाद हम इसे उतार लेंगे गैस पे से। ये देखिए, दोनों साइड हो चुका है बैंगन, तो इसे हम एक मिनट बाद उतारेंगे। तो यहाँ पे मैंने सत्तू लिया है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसे ओपन करते हैं और सत्तू बनाने स्टार्ट करते हैं। तो नीचे देखिए, यहाँ से हम इसे कैंची से काट लेते हैं। और हमें जितने भी लोगों के लिए बनाना है, जितना चाहिए इसमें से निकाल लेते हैं। तो देखिए, एक बर्तन में मैंने यहाँ पे सत्तू निकाल लिया है। यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने बना के रखा हुआ है, जैसे लहसुन, यहाँ पे मैं एक चम्मच के करीब लहसुन ऐड कर लूँगी इसमें, क्योंकि मैंने इसमें भरते के लिए भी लहसुन रखा है। मतलब मैं बाटी और चोखा दोनों के लिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट काट के रखी हूँ। मतलब मैंने बाटी और चोखा दोनों के लिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट चॉप करके रखे हैं। तो इसे देखिए, मैं इसमें से आधा लहसुन डाल दी हूँ, और आधा इसमें से पत्ते वाला प्याज हम ले लेते हैं, आधे प्याज को हम इसमें डाल देते हैं। इसमें पत्ते वाले प्याज मैंने दो बड़े प्याज ऐड किए हैं। और यहाँ देखिए, ये प्याज में से मैं आधे प्याज यहाँ पे ले लेती हूँ, और इसमें थोड़े प्याज ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने भरते और बाटी का साथ ही में इंग्रेडिएंट तैयार कर दिया है। तो अब ये है, भरते के लिए मैं जब भरता बनाऊंगी तब इसे यूज़ करूंगी। तो देखिए, तब तक यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट इसमें डाल दी हूँ, फिर इसमें और क्या ऐड करते हैं। तो छोटे चम्मच से आधे चम्मच इसमें हम अजवाइन ऐड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बैंगन हो चुका है, तो हम गैस बंद कर देते हैं और इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इसे एक बर्तन में मैंने निकाल लिया, अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसे, तब तक हम तैयार कर रहे हैं,
फिलिंग यहाँ पे। तो देखिए सत्तू में हम यहाँ पे अजवाइन भी डाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, आप स्वाद अनुसार नमक डालें। तो ये देखिए ये है मार्केट का अचार नींबू का, तो इसमें से हम एक चम्मच निकालेंगे नींबू और इसे हम इसमें डाल देंगे, एक चम्मच इसमें का तेल, और ये मसाला निकालते हैं इसे डाल देते हैं। और इसका टेस्ट जो आता है ना वो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, नींबू के अचार का टेस्ट। इस तरीके से आप एक बार बना के देखिए नींबू के अचार का, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से, और यहाँ पे जो नींबू है इसे हम हाथ से ऐसे, ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसे हाथ से हम इस तरीके से करके पूरे उसमें मिला लेते हैं सत्तू में, और सारे इंग्रेडिएंट साथ में हम मिला लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा तेल भी डालेंगे, तो तेल हम इसमें कौन सा ऐड करेंगे वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, पहले हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चम्मच ऑयल लिया है, और ये कौन सा ऑयल मैंने लिया है, ये जो इसमें अचार में ऑयल है ये मैं एक चम्मच ऑयल इसमें से निकाल ली हूँ। तो हम दो चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे इसमें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसमें का ऑयल आप डालिए टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे डाल के हम मिला लेते हैं थोड़ा सा, चारों तरफ अच्छे से मिला लीजिए। नींबू के अचार का अलग ही टेस्ट होता है, तो इसका टेस्ट अलग आता है थोड़ा खटाई से, और बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार बना के देखिएगा ज़रूर। इसे हम मिला लेते हैं चारों तरफ। अब इसके साथ साथ हम इसमें सिंपल ऑयल जो है जो हम सब्जी में यूज करते हैं वो भी हम दो चम्मच ऑयल डाल देते हैं इसमें। देखिए दो चम्मच ऑयल डाल दिया मैंने, और इसे मिला लेते हैं अच्छे से। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिला लिया है पूरे सत्तू में, ऑयल मैंने जो डाला था अचार वाला और नॉर्मल ऑयल वो पूरे मैंने सत्तू में अच्छे से मिला लिया है। तो चलिए अब इसमें हम दो चम्मच पानी ऐड करते हैं, इसे इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे दो चम्मच, तो मैं छोटे चम्मच से ही दो चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं चारों तरफ, इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक मिर्चा चॉप करके रखा हुआ है, और इसे मैं यहाँ पे सत्तू में डाल देती हूँ। मैं एक मिर्चा डाल रही हूँ इसमें, आपको जितना तीखा खाना हो डालें, लेकिन भरते में भी मिर्चा पड़ता है, इसलिए सत्तू में ज़्यादा आप मिर्चा ना डालें तो ठीक रहेगा, दोनों में मिला के तीखा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं एक मिर्चा डाली हूँ सत्तू में। तो देखिए मैंने इसमें मिर्चा मिला लिया है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए अब मेरा सत्तू बनके तैयार है, तो इसे अभी हम ढक के रख देते हैं। तो मैंने इसे यहाँ ढक दिया है, इसे हम रख देते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक टमाटर लिया है, उसे बीच से काट लिया है, और अब इसे मैं गैस पे रख देती हूँ, और ये टमाटर मैं होने का वेट करूँगी। एक साइड टमाटर हो चुका है, हम इसे दूसरी साइड पलट लिए हैं, तो ये भी हमारा 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है, अब इस आटे को हम गूंथ लेते हैं पहले। तो इसमें मैंने थोड़ा सा स्वाद के अनुसार थोड़ा सा हल्का सा नमक डाला है, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि सत्तू में भी नमक पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आटा गूंथ के रख लिया है, आटा हम ना ज़्यादा कड़ा सानेंगे और ना ही ज़्यादा गीला, मुलायम आटा रहेगा बाटी के लिए। तो देखिए लगभग टमाटर हो चुका है, अभी थोड़ा सा और होना बाकी है, इसे हम 1 मिनट और रखेंगे गैस पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैंगन को छील लिया है अच्छी तरीके से, और इसमें जो मैंने मिर्चा डाला था बीच में वो भी अच्छे से गल गया है। तो ये सब हम एक में मिला देते हैं, और यहाँ पे देखिए जो मैंने टमाटर रखा था टमाटर भी हो चुका है, तो अब हम गैस बंद करके टमाटर हटा लेते हैं।
अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ टमाटर रखा हुआ है, अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इसपे का छिलका हम हटा लेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं बाटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सत्तू जो बना के रखा था, अब इसे हम इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया की पत्ती काट के रखी है, इसे ऐड करते हैं सत्तू में। इसे हम डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये हम अच्छे से मिला लेते हैं सत्तू में। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आटे में फिलिंग भरना सत्तू की। आटा निकाल ली हूँ और इसकी लोई मैं बना देती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने लोई तोड़ लिया है और ये मैंने जितना आटा गूंथा था इसमें 13 लोई बनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसे भरना। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लोई बना लिया है, अब इसमें मैं कटोरी शेप में करूँगी और इसमें फिलिंग भरूँगी। तो ये देखिए कटोरी शेप में मैंने कर दिया है और इसमें मैं 1.5 चम्मच के करीब फिलिंग डालूँगी और इसकी लोई बना लेती हूँ मैं। इसे दबा देंगे अंदर, इसे दबा के इसका ऐसे हम गोल गोल। तो देखिए इसे मैंने इस तरह से बंद कर दिया है। अब इसे दोनों हाथ से आप अच्छी तरीके से इसे गोल कर लीजिए। मैं बैक कैमरे से कर रही हूँ तो मैं एक हाथ से ही कर रही हूँ, आप दोनों हाथ से करिए। और इसे देखिए मैंने गोल कर लिया, इसे हल्का सा ऐसे कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे एक बाटी बनके तैयार है। इसी तरह हम सारी बाटी बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे दूसरा लोई लिया है मैंने, इसे भी हम कटोरी शेप में करते हैं। देखिए मैंने इसमें 1.5 चम्मच फिलिंग डाला है सत्तू और इसे मैं बंद कर लेती हूँ। तो हम इसे इस तरीके से ऐसे बंद कर लेंगे और फिर इसे लोई कर देते हैं। लोई करके फिर इसे प्रेस कर लेंगे हल्का सा। ये देखिए तैयार है। इसी तरह हम सारे यहाँ पे जितने लोई लिए हैं सबका फिलिंग बना देते हैं, सब में फिलिंग भर के तैयार कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाही लिया है और इस कढ़ाही में मैं थोड़ा सा इतना ऑयल डालूँगी कि ये इसमें बस चिकना करे। इसे इस तरीके से सिर्फ चिकना करना है पूरी कढ़ाही को। तो देखिए यहाँ मैंने इतना ऑयल लगाया है कि ये पूरा चिकना हो गया है। अब इसे हम इस कढ़ाही को हम गैस पे रख देते हैं और गैस का फ्लेम मैंने अभी फुल रखा है। इसे हल्का सा गर्म होने देंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हल्का गर्म होगा फिर हम सारी बाटी को इसमें रख देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सारा बाटी बना के रख दिया है। तो अब हम वेट कर रहे हैं कढ़ाही के गर्म होने का। अभी देखिए कढ़ाई गर्म नहीं है, इसे हल्का ही गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं। तो देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम यहाँ पे जो बाटी रखे हैं ये एक एक करके यहाँ पे अच्छे से रख लेते हैं। जितना बाटी एक बार में हो सके उतना बाटी हम यहाँ पे, गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे हम बाटी पकाते हैं। यहाँ पे हम सारी बाटी यहाँ पे सजा दे रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बाटी बनाई भी नहीं है तो एक बार में मेरी सारी बाटी यहाँ पे आ गई है। अब ये देखिए यहाँ पे बाटी मैंने रख दिया है और गैस का फ्लेम एकदम मैं लो कर दे रही हूँ। तो देखिए गैस का फ्लेम मैं एकदम लो की हूँ और इसे ढक देते हैं हम 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर बाटी लो फ्लेम पर रखा है कढ़ाई में। और अब चलिए हम भरता तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैंगन अच्छे से छिल के और इसे रख लिया है। देखिए जिस मिर्चा जो मैं डाली थी मिर्ची वो भी हो गया अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने टमाटर जो लिया था वो टमाटर भी मैं छिल ली हूँ। अब इसे अच्छे से इसमें मैश कर लेते हैं क्योंकि ठंडा हो चुका है टमाटर भी। तो बैंगन और टमाटर को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो देखिए इसमें मैं हाथ से मैश कर ले रही हूँ अच्छे से, क्योंकि हाथ से मैं इसलिए कर रही हूँ कि चम्मच से मैं कर सकती हूँ लेकिन ये हाथ से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे एक में।
अब चलिए हम इसमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज चॉप करके रखा है, ये मैं पूरे प्याज डाल देती हूँ। पूरी प्याज मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पत्ते वाली लहसुन प्याज है, पत्ते वाला प्याज है, ये मैं डाल देती हूँ। और ये लहसुन इसे मैं डाल देती हूँ। तो सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें जो काट के चॉप करके रखे थे वो डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, एक में सारी इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। चम्मच से भी होता है लेकिन हाथ से प्रॉपर मिक्स हो जाता है, इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ अच्छी तरीके से। तो ये मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ इसलिए मैं ये हाथ से कर रही हूँ। आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो, बैंगन के चोखे में आप आलू भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने मिर्चा डाला हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो इसमें मैं और मिर्ची नहीं डालूंगी, दो मिर्ची मैंने डाले थे बड़े बड़े, तो ये ज़्यादा तीखे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब इसमें मैं एक चम्मच ऑयल डालूंगी। तो यहाँ पे मैं ऑयल ली हूँ दो बड़े चम्मच, ये मैं डाल देती हूँ। अच्छे से डाल के इसे मिक्स करते हैं इसमें, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा नमक ऐड करते हैं। तो देखिए इसमें एक चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ, स्वाद अनुसार आप नमक ऐड करिए। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं, पूरा मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरीके से, हम चारों तरफ से पूरा मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा भरता बनके तैयार हो गया बैंगन का। इसे बैंगन का भरता भी बोलते हैं और बैंगन का चोखा भी बोलते हैं। तो मेरे बैंगन के चोखे यहाँ पे बनके तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। तो मैंने धनिया की पत्ती काट के रखी है, इसे मैं थोड़ा डाल देती हूँ इसमें और अच्छे से मिला लेते हैं। धनिया की पत्ती से ये और भी देखने में अच्छा लगता है। तो इसमें थोड़ा धनिया की पत्ती अगर हो तो आप मिला सकते हैं, ऑप्शनल है धनिया की पत्ती। तो यहाँ पे देखिए मेरा बैंगन का भरता बनके तैयार है, जिसे बैंगन का चोखा भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं बाटी हमारा कहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए अब ढक्कन हटा के देखते हैं, अब इसे हम पलटते हैं। तो देखिए एक तरफ हो चुका है, तो हम सारी बाटी को पलट देंगे। ये देखिए एक साइड हो चुकी है बाटी। अभी 5 मिनट हुआ है मुझे बाटी ढके और मैं 5 मिनट बाद इसे चेक कर रही हूँ, तो लगभग बाटी हो चुकी है। 10 मिनट में आपकी बाटी बनके तैयार हो जाएगी कढ़ाई में। ऐसे ही मैं सारी बाटी पलट देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैंने सारी बाटी को पलट दिया है और अब हम फिर 5 मिनट बाद देखेंगे आपकी 10 से 15 मिनट में कढ़ाई में बाटी बनके तैयार हो जाएगा। तो इसे ढक देते हैं, 5 मिनट बाद हम फिर देखते हैं। लो फ्लेम पे रखेंगे गैस का नॉब। तो जब तक बाटी हो रहा है तो यहाँ पे देखिए मैंने ये देसी घी थोड़ा लिया है। जब बाटी हो जाएगा तो हम बाटी के ऊपर ये घी लगाते हैं। तो हम 5 मिनट बाद देखते हैं बाटी। चलिए अब देखते हैं ढक्कन हटा के। तो ये देखिए बाटी हमारा हो चुका है और 10 मिनट में कढ़ाई में बाटी बनके तैयार है। तो देखिए हम इसमें चाकू या कोई नुकीली चीज़ लेके ऐसे डालेंगे और देखेंगे इसे निकाल के, अगर ये चिपका नहीं है तो देखिए ये चाकू में चिपका हुआ नहीं है, इसका मतलब बाटी हमारा हो चुका है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बाटी निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैं देसी घी ली हूँ, इसे लगा लेती हूँ चारों तरफ अच्छे से। ये देखिए मैं इसी तरह सारी बाटी में लगा लेती हूँ चारों तरफ, हम इसे अच्छे से लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 बाटी में लगा लिया है
ये देखिए यहाँ पे मैंने बाटी में घी लगा लिया है सारे बाटी में, और यहाँ पे मैंने भरता बना के रखा है। इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर से घी डाल दूँगी भरते में। तो देखिए यहाँ पे मेरा बाटी और चोखा बन के तैयार है। बाटी चोखा मेरा यहाँ पे बन के तैयार है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।